आप सभी का नेहास क्रिएटिव किचन में स्वागत है। आपने मठरी तो बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन क्या आलू टमाटर की बनी हुई मठरी आपने खाई है? अगर अभी तक आपने आलू टमाटर से बनी हुई मठरी नहीं खाई है, तो फिर चलिए हम बनाते हैं आलू टमाटर से मठरी। इन्हें बनाने के लिए हम 2 टमाटर लेंगे और 6 से 7 लहसुन की कलियां लेंगे। लहसुन डालना ऑप्शनल है, आप अगर खाते हैं तो डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो मत डालिए। लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है और अब हम इन टमाटरों को ऐसे 4 पीसेस में काट लेंगे। टमाटर को हम पूरा नहीं काटेंगे, हमें इस तरह से इसमें कट लगाना है टमाटर में। और अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम इन टमाटरों को और ये लहसुन की कलियों को डाल देंगे और एक ग्लास से थोड़ा कम पानी डाल करके हम इनको उबालने के लिए रख देंगे। इसे मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिया है और इसे मैं अब एक प्लेट से ढक दूंगी और करीब 5 से 6 मिनट में ये जो है टमाटर बॉयल हो जाएंगे। देखिए टमाटर उबल गए हैं, अब इनको हम गैस बंद कर देंगे और एकदम ठंडा कर लेंगे। टमाटर जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी के जार में डाल करके और इन्हें हम पीस लेंगे। और एक बर्तन पर छन्नी रख देंगे और उस पे उस छन्नी से हम इस टमाटर को छान लेंगे। इसे अब हम चम्मच से चलाते हुए इसे पूरी तरह से छान लेंगे। ये बीज और इसमें अब छिलका ही रह जाएगा, इसे हम हटा देंगे। अब मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इनको अब हम एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हमें आलू को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, जिससे इसमें बड़े बड़े पीसेस ना रहें आलू के। देखिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे, 1 कप हम मैदा लेंगे और 1/2 कप हम सूजी लेंगे। सूजी अगर जो बारीक वाली है तो ठीक है, नहीं है तो उसे एक बार मिक्सी के जार में डाल करके एक बार ग्राइंड कर लें। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हम तवे पर डाल करके रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें हाथ से मल करके डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स की जगह पे आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और अपने हाथों पर रख करके इसे एकदम ऐसे मल करके इसमें हम मिलाएंगे। 1/4 कप हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। अगर आप इसे चम्मच से नाप के डालेंगे तो ये करीब 6 चम्मच तेल होगा। अब हम सभी चीज़ों को मिला देंगे। मोयन इसमें ठीक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसे एक मुट्ठी में लेंगे, देखेंगे ये बैंड हो जाएगा तो इसका मतलब मोयन ठीक है। इसमें अब हम आलू डाल करके मिक्स करेंगे। आलू को इसमें हम हाथों से मलते हुए अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर देंगे और फिर जो हमने टमाटर का पेस्ट बना करके रखा है उसको थोड़ा थोड़ा इसमें डाल करके हम इसका एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम टमाटर के पेस्ट को डालते जाएंगे और हाथों से अच्छे से इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। देखिए ये डो बन करके तैयार हो गया एकदम चिकना सा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे जिससे ये डो सेट हो जाए। दस मिनट बाद इस डो में से हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसे अब हम गोल कर लेंगे और इसे
अब बेलन से हम बेलेंगे। बेलते समय अगर ये पाटे या बेलन में चिपके बेलने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें सूखा मैदा लगा करके इसको बेलें। इसे हमें बड़ा पतला बेलना है। रोटी से हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे और हमें इसे पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है, सिर्फ रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। बस देखिए, बस इतना मोटा हमें इसे रखना है। यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप की मठरी बना रही हूँ, इसलिए हम इसको नीचे से पहले बराबर कर लेंगे और फिर हम इसकी चार पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे और ऊपर की जो पतली बचेगी पट्टी उसको हम हटा देंगे और अब हम इसे ट्रायंगल शेप देते हुए काट लेंगे। इस तरह से देखिए तिरछी हम लाइंस चाकू से इसमें बनाएंगे और ये ट्रायंगल शेप बनते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें काटना है। अब हम नेक्स्ट रो में भी हम ऐसे ही काटेंगे। ऐसे देखिए ट्रायंगल शेप बन रहा है मटरे का, इसी तरह से हमें काटते जाना है। अब सारी मटरियाँ हम इसी तरह काट लेंगे। आप मटरियाँ किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल शेप में बना सकते हैं, बर्फी शेप में बना सकते हैं, जो भी शेप आपको अच्छा लगे आप उस शेप में बनाएं। बस हमें इनको पतला बेलना है मटरियों को, मोटा नहीं। देखिए अब ये सारी मटरियाँ कट गई हैं ट्रायंगल शेप में, देखिए ट्रायंगल शेप पूरा निकल आया। अब हम इनको इनके बीच में हम कट लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें नाइफ से छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे बीच में लाइंस भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बीच में हम इसमें कट लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये मठरी बन करके तैयार होगी। इसी तरह से अब हम सारी मठरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। अब इनको हम तल लेंगे। तलने के लिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसे चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा टुकड़ा मठरी का डालेंगे और ये रुक करके जब ऊपर आ जाए तुरंत समझ लीजिए ये तेल गर्म हो गया। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और एक एक करके सारी मठरियाँ अब हम इसमें डालेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा तेज आंच पर नहीं सेकना है, हमें इन्हें धीरे धीरे पकाना है जिससे इसमें जो आलू और टमाटर पड़े हैं वो अच्छे से सिक जाएं। इनको अब हम चलाते हुए ऐसे मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे, ये जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाती हैं। आपको ये लग रहा होगा ये आलू टमाटर से बनी हुई मठरियाँ हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ये मठरियाँ एक महीने तक नहीं ख़राब होती हैं क्योंकि इसको हमने एकदम पतला बेला है और जिससे ये आलू इसमें पूरी तरह से फ्राई हो जाता है। देखिए ये मठरियाँ सिक गई हैं, ये देखिए गोल्डन कलर में आ गई हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। अब बाकी की बची हुई सारी मठरियों को हम इसी तरह से तल लेंगे। देखिए ये मठरियाँ भी बन करके तैयार हो गई हैं और इनको भी अब हम निकाल लेंगे। एकदम खस्ता कुरकुरी और बहुत ही अच्छी मठरियाँ बन करके तैयार हुई हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करें, उसे शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।